ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में चार पक्षकार बनने का आवेदन खारिज हो गया। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए वक्त मांगा। अदालत ने 100 रुपए हर्जाना पर व्यक्त दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की ओर से जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई हुई। पूर्व में हुए सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग की मांग खारिज होने के बाद मंदिर पक्ष एक बार फिर सर्वे की मांग कर रहा है। इस संबंध में पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। बता दें कि 17 मई 2022 को अदालत में दिए प्रार्थना पत्र को अदालत के सामने रखा। इसमें मांग किया है कि ज्ञानवापी परिसर में 16 मई को एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मिले शिवलिंग पूरब की तरफ दीवार में दरवाजा को ईंट से ढक दिया गया है। उत्तर तरफ भी दीवार खड़ी की गई है। नंदी के मुख के सामने तहखाने में ईंट पत्थर बालू बांस बल्ली का मलबा रखा हुआ है। वहीं बैरिकेडिंग के अंदर पश्चिम दीवार पर मौजूद दरवाजे को ईंट पत्थरों से बंद कर दिया गया है। यह मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में जाने का रास्ता है। प्रार्थना किया है कि इन दीवारों और मलबे को हटाकर पाए गए शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के साथ ही तहखानों की जांच एक बार फिर एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही करके रिपोर्ट दिया जाए। कोर्ट अपनी प्रक्रिया सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जो 1 रूल 10 पर पक्षकार बनने की प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें पिछले 17 तारीख को 5 लोगों का प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, खारिज कर दिया था। शेष 3 लोगों की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुआ था और उस सुनवाई पे फैसले को आज के लिए सुरक्षित जो है रिजर्व कर लिया गया था। उन 3 पक्षकारों पे आज माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया कि बिना सहमति के, पक्षकार के सहमति, वादी और प्रतिवादी के सहमति के बिना कोई तीसरा पक्षकार इसमें पक्षकार नहीं बन सकता है। इसलिए और वादी प्रतिवादी स्वयं अपने पक्ष को रखने में सक्षम है, यह कहते हुए न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को 1 रूल 10 पे खारिज कर दिया। उसके अलावा 82 ग पे हमारी सुनवाई होनी थी। 82 ग पे भी चूँकि हम लोगों ने कहा कि आपत्ति ये मुस्लिम पक्ष दे, माननीय न्यायालय ने उनको आपत्ति के लिए 2 नवंबर की तिथि को जो है निश्चित कर दिया है। उसके अलावा 100 रुपया कास्ट जो एडजर्मेंट उन्होंने दिया था मुस्लिम पक्ष ने, वो 100 रुपये का हर्जाना लगाते हुए उनको हिदायत दी कि अगले 2 तारीख को आप अपनी जो आपत्ति दर्ज करा दें। मेरा घोर आपत्ति रहा क्योंकि 82 ग प्रार्थना पत्र मेरा जो था वो 17/5/2022 का था, तो 5 महीना तक इनकी कोई आपत्ति नहीं आई। आज भी आ रही तो अर्जेंट आ रही है और 19/5/2022 को कमीशन रिपोर्ट दाखिल होते के साथ माननीय न्यायालय द्वारा कमीशन रिपोर्ट पर आपत्ति आहूत की गई है, उनका अभी तक कोई आपत्ति नहीं आया है। 2 नवंबर 2022 को तारीख इसी निर्धारित की गई है और उसमें स्पष्ट किया गया कि 82 ग और 157 का आदमी द्वारा दिया गया कोई मूर्ति को सील करने के लिए और कमीशन रिपोर्ट पर निस्तारण हेतु लगा दिया गया। जो लोग 82 ग का प्रार्थना पत्र दिए थे, हमारे द्वारा दिया गया था कि वहाँ की कमीशन की अधूरी कार्रवाई पूर्ण की जाए, उसको अगली डेट 2 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। और जो लोग 110-18 के CPC के तहत इसमें पक्षकार बनना चाहते थे, उन सभी की याचिकाओं को माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह कहते हुए खारिज किया कि यह न्यायिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, इसलिए उनको अमान्य करते हुए इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी हवाला दिया गया। उन विषयों को मानते हुए और उन सारे लोग जो पक्षकार बनना चाह रहे थे उनकी याचिका खारिज कर दी गई। 82 ग के निस्तारण के लिए, 256 ग के निस्तारण के लिए आज तिथि नियत थी और उसमें जो है उनकी तरफ से एक एडजर्मेंट सीख किया गया जिसको 100 रुपये कॉस्ट पर अलाउ किया गया है और वो 100 रुपये कॉस्ट जो है सुधीर त्रिपाठी जी जो वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता थे उनके पास चला गया, उन्होंने रख लिया। और नेक्स्ट तिथि जो है वो 2 नवंबर की नियत की गई है। 2 नवंबर के दिन 82 ग साथ में 256 ग एक एप्लीकेशन है जो कारमाइकल लाइब्रेरी में मूर्तियों को संरक्षित करने की बात कही गई है उसके लिए, और दूसरा जो है जो कमीशन रिपोर्ट है उस पर भी आपत्ति कोर्ट ने कॉल किया।